हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम देखने जा रहे हैं कल के दिन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी हैं, और किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो 8 से 10 मिनट का वीडियो होगा, इसको जरूर पूरा देखिएगा। हो सकता है आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मिल जाए और आपके 2 नंबर पक्के हो जाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और आपका फिर से स्वागत है के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं अपना प्रश्न, और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। वीरेंद्र कुमार पॉल किस देश में भारत के नए राजदूत बने हैं? हमारे ऑप्शंस हैं अमेरिका, युगांडा, रूस या फिर सोमालिया। तो आइए जानते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न का सही जवाब है सोमालिया। सोमालिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जबकि इसकी राजधानी मोगादिशु है। यहाँ की मुद्रा सोमाली शिलिंग है और यहाँ के प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रोबल हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं 9.6%, 8.9%, 7.5% या फिर 10.5%। आइए जानते हैं सही जवाब क्या होगा। सही जवाब है 9.6%। विश्व बैंक ने हाल ही में जारी अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 9.6% की गिरावट रहने का अनुमान जताया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में संकुचन मुख्य रूप से घरेलू खर्च और निजी निवेश में तेज गिरावट के कारण होगा। हालांकि 2021 में 5.4% रहने का अनुमान लगाया है विश्व बैंक ने, जो कि थोड़ी राहत की बात है। और यहां पे एक और नोट करने वाली बात है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी होती है, तो यह वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी होती है। यह एक सेपरेट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू इंटरिम इन ऑस्ट्रेलिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? हमारे ऑप्शंस हैं आर कौशिक, शक्ति सिन्हा, सुधा मूर्ति, मुरलीधर। तो इसका सही जवाब होगा आर कौशिक, और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जैसा कि आप जानते ही हैं, अभी हाल ही में एक फेमस विक्ट्री भारत ने दर्ज की है ऑस्ट्रेलिया में। हमारा अगला प्रश्न है, 2023 में होने वाले 18th AFC एशियन गेम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शंस हैं भारत, रूस, जापान या फिर चीन। आइए जानते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सही जवाब है चीन। एशियाई फुटबॉल परिसंघ की स्थापना 8 मई 1954 को हुई थी, जबकि इसका मुख्यालय मलेशिया के कुआलालंपुर में है। साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें, और आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। बीबीसी यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अरविंद सिंह, वरुण दुआ, करण थापा या फिर रिचर्ड शार्प। तो इस प्रश्न का सही जवाब है रिचर्ड शार्प। रिचर्ड शार्प हाल ही में बीबीसी के नए अध्यक्ष बने हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है एग्जाम में। हमारा अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बायोडाइजेस्टर तकनीक के लिए किसके साथ समझौता किया है? और हमारे ऑप्शंस हैं DRDO, बेल, इसरो या फिर भेल। तो आइए जानते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। हमारा सही जवाब होगा DRDO। बायोडाइजेस्टर तकनीक मानव अपशिष्ट को पानी और गैस में परिवर्तित कर देता है। इस समझौते का उद्देश्य मेट्रो रेल नेटवर्क में मानव अपशिष्ट के उपचार के लिए उन्नत बायोडाइजेस्टर MK2 को लागू करने में सहायता प्रदान करना है। वहीं अगर हम DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की बात करें, तो इसकी स्थापना 1958 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जबकि वर्ष के वर्तमान अध्यक्ष G. सतीश रेड्डी हैं।
तो इसका सही जवाब होगा DRDO। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, दिव्यांग जन शादी प्रोत्साहन योजना 2021 को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? हमारे ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर गुजरात। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिव्यांग जन शादी प्रोत्साहन योजना 2021 को लॉन्च किया है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने एलेक्जेंडर एलिस को भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है? हमारे ऑप्शंस हैं रूस, इंडोनेशिया, जापान या फिर ब्रिटेन ने। तो आइए जानते हैं सही जवाब क्या होगा। सही जवाब है ब्रिटेन। ये फिलिप वार्टन की जगह लेंगे और ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त का नाम गायत्री ईश्वर कुमार है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ब्रिटेन। हमारा प्रश्न है, खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं पौंडीचेरी, लद्दाख, जम्मू कश्मीर या फिर लक्षद्वीप। तो आइए जानते हैं सही जवाब क्या होगा। सही जवाब है लद्दाख। लद्दाख के चटकन में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन आरंभ हो गया है और यह पहला मौका है जब चटकन की महिला हॉकी टीम कारगिल जिले में खेले जा रहे खेलो इंडिया में भाग लेगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने वीडियो को पसंद किया होगा और सभी प्रश्नों के उत्तर नोट कर लिए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब चैनल। कल फिर हम मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।